हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर बड़ा संगठन खड़ा कर रही है। कुछ दिनों पहले 15 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित किए गए थे। पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी जा रही है वो चुनाव लड़ने का ख्वाब ना पालें, ईमानदारी से संगठन को मजबूत करें, बूथ स्तर तक काम करें, जो कर्मठ होगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। संगठन के अहम पदों पर आसीन पदाधिकारियों का पूरा समय संगठनात्मक गतिविधियों में देना होगा, जिससे बीजेपी को मजबूती से जवाब दिया जा सके। समाजवादी पार्टी 15 जिला अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 1 महामंत्री के नाम की घोषणा कर चुकी है। इस महीने के आखिर तक लगभग जिलों में संगठन तैयार हो जाएगा और ब्लॉक कमेटियों में गठन की शुरुआत भी कर दी जाएगी। फ्रंटल संगठनों के दोबारा बनाने का काम भी शुरू होगा। संगठन का काम चुनावी सीजन में प्रभावित न हो, इसीलिए पदाधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनकी चुनावी मंशा भी जानी जा रही है। खासकर जिला अध्यक्षों को टिकट न मांगने का लिखित वचन देना होगा। चुनाव के समय अध्यक्ष ही टिकट पाने की कतार में लग जाते हैं तो संगठन में बिखराव शुरू हो जाता है, जिसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ता है। संगठन में नए चेहरों को तरजीह देने के पीछे वजह है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। सपा आगे बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी, ये साफ है। अखिलेश यादव नई चुनौतियों से लड़ने वाली टीम तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए युवाओं को आगे लाने के साथ सोशल मीडिया में दक्ष पदाधिकारियों की टोली तैयार की जाएगी। समाजवादी पार्टी भी दलितों को जोड़ने की कोशिश में जुटी है। लीग से हटकर पहली बार सपा ने डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि जिला केंद्रों पर मनाई। दलितों में ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है जो भाजपा के साथ जाने को राजी नहीं है। बसपा कमजोर होगी तो उन्हें सपा से जोड़ा जा सकता है। अगर हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को जम के शेयर करें। मिलते हैं कल नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।